बरगी थाना क्षेत्र के चौराई गांव में खेत में झोपड़ी में सो रहे आदिवासी दंपत्ति सुमेरीलाल कुलस्ते और उनकी पत्नी सियाबाई की जघन्य हत्या कर दोनों के शव जला दिए गए थे। वृद्ध आदिवासी दंपत्ति की हत्या उनके ही भतीजे ने की थी। आरोपी ने जादू टोने के शक और संपत्ति के बंटवारे को लेकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरगी थाना क्षेत्र के चौराई गांव में खेत में झोपड़ी में सो रहे आदिवासी दंपत्ति सुमेरीलाल कुलस्ते और उनकी पत्नी सियाबाई की जघन्य हत्या कर झोपड़ी में आग लगाकर शवों को जला देने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस जघन्य हत्याकांड को मृतक सुमेरीलाल कुलस्ते के भतीजे दयाराम सिंह कुलस्ते ने ही अंजाम दिया था। दरअसल दयाराम को शक था कि उसके बड़े पिताजी सुमेरीलाल और उनकी पत्नी सियाबाई जादू टोना करते हैं। 5 साल पहले जादू होने के कारण ही उसके बड़े भाई सीताराम ने आत्महत्या कर ली थी। बड़े पिता सुमेरी उसके पिता के हिस्से की जमीन पर भी कब्जा करना चाहते थे और वो जादू टोना के चलते बड़े पिता से अपने पिता के हिस्से की जमीन भी नहीं ले पा रहा था। इसी के चलते उसने अपने बड़े पिता सुमेरीलाल और उनकी पत्नी सियाबाई की पहले धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी और फिर हत्या को हादसे में तब्दील करने झोपड़ी में आग लगाकर दोनों के शव भी जला दिए। तो उसको यह शक था कि उनके जो मृतक बड़े पिताजी और वो हैं जादू टोना भी करते हैं, तो ये 2-3 चीज़ों का सम्मिलित रूप से उसके ऊपर शक था और इस कारण उसने अभी तक जो है विवेचना में आया है कि हत्या की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अब हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं।